सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ किससे रैंक के यूट्यूब वीडियो सीरीज में, एक नए वीडियो में। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एट 15,000 जेईई मेन रैंक फॉर जेंडर न्यूट्रल जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यानी जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स और कम रैंक पे भी सेम ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। कितना कम रैंक डिपेंड करता है कौन सा रिजर्वेशन है आपके पास, बट आपके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोज कुछ समय में आ रहे होंगे। फिलहाल अगर बात कर ले जनरल कैटेगरी के हिसाब से तो 15,000 पे देखिए दो तरीके से हम बात करेंगे। पहला कैटेगरी होगा हमारा जो 15,000 से और अगर बेटर है, लेकिन 15,000 के आसपास ही है, उस रैंक पे क्या कुछ मिलेगा। और एक कैटेगरी होगा कि 15,000 से थोड़ा सा कम है, मतलब 15,000 जस्ट पहुंचने वाले थे लेकिन पहुंच नहीं पाए, उस हिसाब से क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसे हम समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसमें देख रहे हो कि एक एग्जाम्पल दोनों एग्जाम्पल के बीच में एक गैप देखने को मिल रहा है। तो ऊपर वाला आपका 15,000 से और बेटर रैंक के लिए और नीचे वाला आपका 15,000 से और थोड़े से पीछे रैंक के लिए, बट क्लोज टू 15,000। तो बात कर ले तो सबसे पहले हमें देखने मिल जाता है अगर 15,000 से और बेटर रैंक है तो सबसे पहले हमें MNNIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल, VNIT नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, NIT जलंधर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, NIT हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, NIT सिलचर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IIIT लखनऊ में IT, DTU में, अब सेकंड के डिग्री में चले तो DTU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, NIT सूरतकल में मैकेनिकल, NIT कैलिकट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, NIT रायपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और NIT गोवा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यानी कि अब अगर हम बात कर ले तो टॉप 15 के बाद वाले जो NITs हैं उनमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें टॉप 8 हमारे जो NITs हैं, टॉप 7-8 NITs, इसके आसपास में आपको इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल सकते हैं। फिर थोड़े से अगर 9-10 के आसपास चलना चालू करें, टॉप 10 के आसपास, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखने को मिल सकता है। NIT जलंधर भी हम देख रहे हैं, लगभग टॉप 15 के आसपास में हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ये कब, जब 15,000 से थोड़ा बेटर रैंक है उस केस में आपका टॉप 15 में लगभग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें 15,000 से थोड़ा सा कम है तो NIT रायपुर और NIT गोवा जैसे में भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जा रहा होगा। और NIT कैलिकट में चलें तो अगेन जैसा मैंने बोला टॉप 6-7 वाले, मतलब टॉप 5-6 अगर हम NITs की बात करें तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ अगर हम टॉप 3 वाले NITs की बात करें, लाइक NIT सूरतकल की बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हमें देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार के कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, भैया ये ब्रांच बेटर है इस कॉलेज में, ये ऑप्शन बढ़िया होगा, ये ऑप्शन बढ़िया होगा, किसे मैं जोसा सीसर काउंसलिंग में कैसा प्रेफरेंस ऑर्डर रखूं, तो आपके लिए छोटा सा सॉल्यूशन मैंने क्रिएट किया है। हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, विजिट करिए। गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा जिसे जैसे आप फिल आउट करते हो, भैया मैं इन इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं, मैं आपको 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर जो भी करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए कि ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, इसे ऊपर रख सकते हो। इसमें भी अगर आपको फर्दर प्रेफरेंस डालना है, भैया मुझे मेरा घर यहाँ पर है, मुझे थोड़ा सा घर के आसपास चाहिए, मेरा ये ब्रांच फेवरेट है, तो थोड़ा सा ब्रांच भी प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन अगर बहुत डिफरेंस है तो कंप्यूटर साइंस ही दे दीजिए। जितने भी अगर आपके इस प्रकार के कुछ कन्फ्यूजन है, बढ़िया प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए अपॉन कस्टमाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमाइजेशन, सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बस आपको गूगल फॉर्म जाकर फिल आउट करना है। बट अगर इससे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है, इससे भी ज्यादा कन्फ्यूजन है, आपको 1-to-1 मेरे साथ बैठकर वीडियो कॉल पर चीजें समझनी है, डिस्कस करनी है, पूछनी है, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है सेम वेब पेज पे। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करिए, सारी चीजें एक वेब पेज पर ही खुलकर आ जा रही होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।